नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। मेरे साथ न्यूज रूम में है राम बदन राय जी, कर्पूरी जनता दल के अध्यक्ष हैं, पूर्व विधान पार्षद हैं, धानुकों के नेता हैं। और राम बदन राय जी आज इसलिए हमारे साथ हैं क्योंकि बिहार का सर्वे की रिपोर्ट आई और इसके बाद तमाम तरीके का विवाद शुरू हो गया। धानुक भी गुस्से में है, आपने देखा ही, सबन जातियां गुस्से में है, तेली समाज गुस्सा में है। कहा जा रहा है कि यादवों की संख्या बढ़ गई, बाकी सभी घटा दिए गए, कुर्मी भी खुश है। राम बदन राय जी के बारे में यह चर्चा है कि ये भी नाराज थे, तो हमने समझा कि इनसे बात की जाए धानुकों के बारे में, क्योंकि राम बदन राय जी को पहले यह उम्मीद थी कि जब बिहार कास्ट सर्वे की रिपोर्ट आएगी तो धानुकों की संख्या कुर्मियों से अधिक निकलेगी, लेकिन जब रिपोर्ट आई तो धानुक कम निकले, कुर्मी अधिक निकले। यदि हम प्रतिशत की बात करें तो कुर्मी 2.88% निकले हैं और धानुक 2.14% निकले हैं। राम बदन राय जी, ऐसा कैसे हो गया? आप तो दावा कुछ और कर रहे थे कि आपकी आबादी अधिक है। एक बार हम आपके गए स्टूडियो में आए थे जे, और बजाते 1931 के गजेटियर लेकर आए थे। उस समय मुंगेर कमिश्नर भागलपुर के दोनों गजेटियर हमारे पास में था जे। उस समय मुंगेर कमिश्नरी में 1931 में कुर्मियों की संख्या बताई गई थी 30,000 और लगभग 1.5 लाख बताया गया था 1931 में धानुकों की संख्या जी, जो आपको हम दिखाए भी थे, शायद कॉपी भी हम आपको दिए। जी बिल्कुल दिया था आपने। इस हिसाब से 5 से 7 कमिश्नरी है जहां बहुत बड़ी आबादी धानुकों की है। आप जैसे मुंगेर हो गया, भागलपुर कमिश्नरी हो गया, कोसी हो गया, मिथिलांचल के इलाका हो गया, या ये चंपारण साइड में है जी। इसमें बड़ी आबादी है, कहीं जादव सेकेंड नंबर पर, कहीं धानुके फर्स्ट नंबर पर, इस तरह से इसकी जांच के मतलब ऐसे इलाके भी हैं जहां धानुक अधिक हैं और यादव कम हैं। हाँ, बहुत विधानसभा ऐसा, जैसे लखीसराय चल जाइए, शेखपुरा चल जाइए जी, इन इलाकों में जादुओं की संख्या कम है, इसकी ज्यादा है। लेकिन राम बदन जी, जब हम 1931 का सेंसस देखते हैं, कास्ट सेंसस देखते हैं, तब भी कुर्मी अधिक दिखे थे और धानुक कम दिखे थे, इसलिए हाँ। लेकिन आप कह रहे थे कि नहीं, हमें तो ज्यादा, हम तो ज्यादा हैं, हम ज्यादा थे। पहले देखिए, झारखंड का जो इलाका है जी, उसे मात्र एकाक ब्लॉक पलामू में धानुक की संख्या था। और कुर्मी जो झारखंडी कुर्मी थे, जो अभी भी बड़ी ताकत है, संख्या भी है, इस वजह से कुर्मियों की संख्या अधिक दिखाई पड़ी थी। लेकिन जो बिहार का पार्ट बचा है, बिहार के पार्ट में हम लोग बिहार के कोने कोने घूमे हैं, क्योंकि युवा अध्यक्ष हम जब थे जनता दल यू के, तो हम एक एक पंचायत बिहार के कोने कोने घूमे थे, सिर्फ मंच पर नहीं गए थे, गांव गांव घूमे थे। इस हिसाब से हम देखते हैं कि जो कुर्मी लोगों का आबादी, पूरा इधर नजर आप डालिए उत्तर के तरफ जी, तो एक ब्लॉक में आपको दिखाई पड़ेगा कुर्मी, सिवान के इलाके में, सिवान में जहाँ कभी बिशन पटेल चुनाव भी लड़ने गए थे। हाँ, लड़ने गए थे, वहां पर दिखाई पड़ता। एकाक विधानसभा वैशाली में जी, बाकी कहीं इनकी आबादी ने दरभंगा कमिश्नरी में है, दरभंगा के किसी विधानसभा क्षेत्र में भी तो कभी था ना, मनीगाछी में कुछ लोग थे, मनीगाछी में कुछ लोग जी, लेकिन वैसा डोमिनेटेड नहीं है। लालू जी के टिकट पर लड़े या नीतीश जी के टिकट पर लड़े, तो वहाँ ब्राह्मणों की संख्या भी बहुत, कुर्मियों की ताकत से जीते थे, सो बात नहीं जी, ब्राह्मणों की नहीं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि झारखंड के विभाजन के बाद आपको ये लग रहा था कि धानुकों की आबादी अधिक निकलेगी, क्योंकि कुर्मी उधर रह गए। हाँ, उधर रह। लेकिन फिर भी कुर्मी की आबादी आप कह रहे हैं कि सिवान में, वैशाली में, दरभंगा में आंशिक रूप से दिखाई पड़ते, लेकिन नालंदा कुर्मिस्तान है। देखिए, नालंदा में जो कुर्मी कह रहे हैं, वहां भी 1.5 लाख धानुक भी है उस क्षेत्र में। अच्छा, नालंदा जिला। तो फिर ये गलती कहाँ से हो गई, चूक कहाँ से हो गई कि धानुक कम हो गए, कुर्मी अधिक हो गए? हमारा ये कहना है जी, इस गणना में जो समाज हाहिल चप्पल पहने हुए है ना, उनकी संख्या ज्यादा दिख रहे हैं, जो प्लेन में पैर रखे हुए उसका कम कर हुआ हो गया, मतलब बिना चप्पल वाले का कम हो गया, मेरा चप्पल वाला कम हो गया। अच्छा, जमीन पर। हाँ, जो हाहिल पहने हुए हैं, हाई फाई है, उनकी संख्या बढ़ गई। नहीं तो भूमिहार ब्राह्मण तो चप्पल पहनते हैं, वे भी नाराज है, तो उनके पास में क्या हाहिल चप्पल है? अच्छा, नहीं है, सत्ता में है वो। अच्छा, सत्ता में नहीं है। हाँ,
हाइल चप्पल नहीं हटा कैसे बढ़ेगा? नहीं तो जब आपकी नाराजगी है बिहार का सर्वे रिपोर्ट पर, तो फिर आप क्या धानु नाराज हैं? तो जिस तरीके से तेली समाज मीटिंग कर रहा है, आप क्या सोच रहे हैं? हमने अपने लोगों को निर्देश ही दिए हैं, अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं तुम्हारे लिए। तुम आने वाला चुनाव में जो साजिश किया है उसके खिलाफ बूथ पर ताकत दिखा देना, बूथ पर ताकत, बूथ पर ताकत दे रहे हम अपने सब लोग को कह रहे हैं। लेकिन आप मतलब राय जी आप करें बूथ पर ताकत दिखा देना, आप भी कभी जनता दल यूनाइटेड में थे और बिहार का जो समीकरण लव कुश समीकरण और साथ में धानुक, धानुकों ने अपना नेता तो नीतीश कुमार को मान ही लिया था और आज भी जेडीयू दावा करता है कि धानुक जाति के वोटर उनके साथ हैं, तो नीतीश कुमार को नेता तो माने ही हुए थे, कहां आपत्ति है और कहां भिदक गए? मामला ये है ज्ञान सर जी, धानुक एक लड़ाकू जात है बिहार में। मूल पेशा क्या है इनका? मूल पेशा खेती मजदूरी। अच्छा, इसके अलावा इसको कुछ नहीं है। हाँ। नौकरी में बहुत कम लोग है इसको। अच्छा, ये लोग मतलब अति पिछड़ा समाज है, उसमें पढ़े लिखे लोगों की संख्या इसमें ज्यादा है। पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज्यादा है और बनिस्पत। अच्छा, धानुक में। हाँ। कुर्मी से भी ज्यादा है? कुर्मी ज्यादा माने जब ये नीतीश कुमार जी आरक्षण में तेली लोगों के नहीं घुसाए जी, जो जातियों को घुसाए हैं उन जातियों को बिजनेस और व्यापार करने वाले जातियों के लिए घुसे, तो सबसे अधिक धानुकों का अफसर होता था, डीएसपी बीडीओ सब होता था। कितने आईएएस आईपीएस हुए जवाब करें? कुर्मियों से ज्यादा। आईएएस में तो हमारा गला काट दिया, मंडल कमीशन लागू कर दिए, मंडल कमीशन में डिवीजन नहीं किया कॉर्पोरेट फॉर्मूला। अच्छा, नतीजा है कि बिहार में हमारा एक भी आईएएस नहीं आईपीएस नहीं बन पाता। अच्छा, जो नहीं बन पाया कि बन पाता? नहीं पाता है इसलिए कि उसमें यादव लोग साथ में, कुर्मी लोग साथ में है, कोयरी लोग साथ है, हमसे तो जमीन में जायदाद में शिक्षा में आगे बढ़े जी। इन वर्गों का बच्चा खिचड़ी स्कूल में नहीं पढ़ता, हमारा सब बच्चा खिचड़ी स्कूल पढ़ता, खिचड़ी स्कूल में पढ़ता, खिचड़ी स्कूल पढ़ता। जब कॉन्वेंट में पढ़ने वाले के साथ घुसा दिए हो इसमें, गिनती भी नहीं होगा इन जातियों में कि जो पढ़े खिचड़ी स्कूल पढ़ाते। तो आप कह रहे हैं कि खिचड़ी स्कूल में पढ़ते हैं धानुक के बच्चे, लेकिन आप हमें ये बताइए जब सामाजिक संरचना की बात करते हैं, जैसे लोग चर्चा करते हैं कि भाई यादवों और भूंगारों की दोस्ती नहीं हो सकती है, तो कुर्मी और धानुक तो दोस्त थे या धानुकों की लड़ाई कुछ और थी? धानुकों को लगा जी या तो पिछड़ों को लगा, ये दबंग जाति यादव के पास में सत्ता है। हाँ। नीतीश कुमार एक जिला के जाते है, कमजोर आदमी है नालंदा में, हम भी विश्वतरी उपाध्यक्ष मंत्री से रिजाइन करके नीतीश कुमार साथ हो जी, उसमें हम भी विश्वतरी उपाध्यक्ष राजमंत्री थे, लालू जी के साथ जी, लालू जी अध्यक्ष थे हम उपाध्यक्ष, तो हम लोग भी रिजाइन करके दिए थे। अच्छा, तो नीतीश कुमार का बैठाने का मतलब ये था जाति पिछड़ों का दिन भी बदलेगा जी, लेकिन नीतीश कुमार सत्ता में आने के बाद अति पिछड़ा का इस्तेमाल किए। अच्छा, इस्तेमाल किया, इस्तेमाल किया हम लोगों का, कहीं हम लोगों को वो तो कहते हैं, हम लोग को लगता था ये लालू जी के बाद में नीतीश कुमार बनेगा तो हमारा दिन बदलेगा, हम भी कलेक्टर के यहाँ जाके बैठेंगे, एसपी के यहाँ भी बैठेंगे, जैसे यादव लोग सत्ता में रह के बैठ रहे वैसे हम भी बैठेंगे। अच्छा, लेकिन नीतीश कुमार सारे अरमान को चूर कर दिया और ये अपने यहाँ का जो दबंग जात के लोग हैं उसकी टोली बना के महफिल सजा के राज चलाए, गरीबों को अति पिछड़ों को सटने नहीं दिया, अति पिछड़ों को सटने नहीं दिया। नहीं, राजपाल नीतीश कुमार कहते हैं अति पिछड़ों की राजनीति हमने करी वो सबसे ज्यादा, बिल्कुल गलत जी। नीतीश कुमार को राम बजन राय नहीं चाहिए, नीतीश कुमार का गाय माता चाहिए, गाय माता खाएगी और पागुर इनके द्वार पर करेगा। अब ये जो मंत्री भी था, एमपी था, एमएलए भी था अति पिछड़ों का जी, लेकिन नीतीश कुमार गला अति पिछड़ों पर के गला पर चाकू चलाते रहा, तेली जैसे जात के संपन्न जात के घुसा दिया और गाय माता चुपचाप बैठा रहा है, एक बार भी नहीं कहा नीतीश कुमार हमारा हक नहीं मारी, हमारे समाज का हक नहीं मारी, लेकिन सब समाज के गाय माता खोल। लेकिन जब हम सांसदों की सूची देखते हैं तो देखते हैं कि सबसे अधिक अति पिछड़ों को टिकट तो नीतीश कुमार ने ही दिया, चंदेश्वर चंद्रवंशी की बात कर लीजिए, दिलकेश्वर कामत की बात कर लीजिए, दुलालचंद गोस्वामी की बात कर लीजिए, रामप्रीत मंडल की बात कर लीजिए, और आप कह रहे भाई आरजेडी ने कम दिया था, मतलब बीजेपी ने दो दिया, दोनों जीत ही गए, तो आप कैसे कह देते हैं कि नीतीश कुमार ने धानुकों की उपेक्षा की कि अति पिछड़ों की उपेक्षा की? अति पिछड़ों की उपेक्षा जी। आपने आज तक इन एमपी के बाद सुना मंडल कमीशन में डिवीजन हमारा अति पिछड़ा के
हक मारा जा रहा। हम बिहार भर से मंडल कमीशन के माध्यम से हमारा एक भी आदमी आईएएस आईपीएस नेता इन एमपीओ ने बोला क्या? अच्छा, बोलने की इजाजत था? बोल सकता था एक आदमी ब्रह्मानंद मंडल जो इनके नियंत्रण से बाद में उसको हटा दिए। अच्छा, ब्रह्मानंद मंडल को हटा दिए ताकि ये बोलने वाला है लोकसभा में मंडल कमीशन पर बोलता था, जिसको हमको कर्पूरी फॉर्मूला की तरह डिवीजन करी, जो रोहिणी आयोग अभी बनकर तैयार है जी, जो लागू कर रहे हैं। उसके बाद करुणानिधि जी उठाया इस सवाल को। तो रामबदन जी, इसका मतलब यह निकल रहा है कि यह तो अब आपकी बातों से समझ में आता है कि पहले से यादव और धानुक में लड़ाई रही। हाँ, अच्छा नहीं रहा है। अच्छा नहीं रहा है, दोनों एक दूसरे की प्रतियोगिता जाती रही। हाँ। हाँ? तो यादव हिस्सा खोजता चूंकि कहीं सेकेंड है। अच्छा, और सब अति पिछड़ा के मिला दिया तो सबसे बेसी है। हाँ, और ये लोग जो खुश हो रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ, ज्यादा खुश नहीं होइए। आपका यदि 14% निकला है, अति पिछड़ा 36% है, दलित 20% है, चुप नहीं रहेगा, वो सत्ता की लड़ाई लड़ेगा। सत्ता की लड़ाई लड़ेगा, बिल्कुल। लेकिन नेता कहाँ है अति पिछड़ा में? रामबदन राय किससे कम है? अच्छा, रामबदन राय किससे कम है? उम्र बहुत हो गई आपकी। तो उम्र हो गया तो उनसे बेसी हो गया। अच्छा, हमारे तो 60 हुआ, उनका 75-80 हो गया। नहीं, 80 तो नहीं हुआ है। खैर चलिए, तो हम ये कह रहे थे कि देखिए, एक और जब यह अति पिछड़ी की राजनीति की बात शुरू हुई है तो हमने पिछले दिनों अखबार में एक विज्ञापन देखा मुकेश सहनी का, विकासशील इंसान पार्टी का। तो उन्होंने अपने निसार समाज की बात की ही कि अति पिछड़ी जातियों की गिनती में उनके इतने लोग निकले हैं। हालांकि वे इस बात से दुखी थे कि निषाद में भी कई उपजातियों को बांट दिया गया। लेकिन एक बात उन्होंने और कही कि धानुक समाज से ये जो निषाद मल्लाह जाति है उसका रिश्ता रोटी बेटी का है, शादी का है। वो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, देखिए, निषाद जिसको मल्लाह कहते हैं, मल्लाह एक सेल्फ जाति जी, उसी में बिंद जो है वो निषाद, बिंद, नुनिया, उसकी अलग पहचान। जैसे 1931 से लेकर उन जब से जनगणना अंग्रेजों ने कराया था तब से सब दिन उसका अलग कॉलम में रहा है, कहीं मेल नहीं खाया। अब स्थानीय लेवल पर जैसे अमात जात है, केवट जात है, तो धनिक लाल मंडल जी समाजवादी नेता जब एमपी जो बाद में गवर्नर बने, जो बाद में गवर्नर बने, तो धनुक और अमात में समारोह करके शादी कराए जी। और कुछ दिन शकुनी चौधरी जी, अबिरसन पटेल जी मुंगेर के खगड़िया के इलाके में अभियान चलाए, कुर्मी कोयरी धानुक का शादी करो, कुर्मी कोयरी धानुक का शादी। हाँ, मतलब तीनों को एक कर दिया, एक करना चाहते थे। वो फिर अपने अपने जगह पर रह गए, लेकिन लोगों ने प्रयास किया। पिछड़े लोग अपनी आबादी, जो लोग पिछड़े हैं अपनी आबादी बढ़ाने के लिए 100 वर्ष पहले से मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, उसमें कुछ हद तक कुछ जगह कामयाब हो गए, लेकिन उस इलाके में, मिथिलांचल के इलाका में, ये हवा अभी भी धरे हुए है शादी ब्याह बाकी कहीं नहीं। तो ये आप मानते हैं कि कुर्मी कोरी धानु का रिश्ता टूट चुका है बिहार में? रिश्ता था ही नहीं, तो रिश्ता था ही नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार बन तो गए थे, बन गए थे तो वोट के लिए हम लोग भी थे उनको साथ देने के लिए, ताकि हमारा हिस्सेदारी इसमें होगा, हम भी अगली पंक्ति में बैठेंगे, अति पिछड़ा भी। तो ये माने ना, बैक बेंचर बना के रखा, तो ये माने ना, कुर्मी के नेता नीतीश कुमार, कोरी के नेता सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा और धानु के नेता रामबदन राय ना। हम अति पिछड़ों की बात करते हैं, हम अति पिछड़ों भाग की बात करते हैं। हम इसको, इसका एक राजनीतिक शक्ति जो कर्पूरी ठाकुर ने बना कर दिया, अचानक कर्पूरी ठाकुर की मृत्यु हो गया जिस वजह से अति पिछड़ा एक जगह हम नहीं थे। वो प्रयास कर रहे थे जो एक जगह गरीब हो जाए, जो 1% है, 0.5% है, 2% है, 3% है, ये एक हो जाएगा तो इसकी संख्या 40% के लगभग हो जाएगी, अति पिछड़ा की, अति पिछड़ा के। अच्छा, लेकिन उनकी अचानक मृत्यु हो गई, ये आगे नहीं बढ़ सका। चलिए, आगे नहीं बढ़ सके, लेकिन एक बात बताइए, 2024 करीब आ रहा है, जब आप कहते हैं धानु की संख्या इतनी है, कुर्मी तो मानते हैं नालंदा मेरा है, धानु कहां कहां है जो 2024 के चुनाव को प्रभावित करने की स्थिति में? क्या इतनी संख्या कहीं है जहां वे चुनाव जीत सकते हैं या किसी को हरा सकते हैं? देखिए जी, झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में जब नीतीश कुमार 67 में राजनीति में भी, वहां तो रामप्रीत मंडल है ना, वो क्या है? वो है जी, मैंने धानु कितना दिन पहले से वहां हुआ। हाँ। मुंगेर में ब्रह्मानंद मंडल 3 बार हुए जी, सुबह उतरा है भागलपुर से। लेकिन जहां जहां से धानु समाज के लोग एमपी होता था, नीतीश कुमार अपने समय में सब जगह से कट कर दिया जी, सब जगह से धानु 3-4 को एमपी होता था। तो अब एक बचे रामप्रीत मंडल। एक बचे रामप्रीत मंडल। अच्छा,
अच्छा, ये बिहार सरकार में मंत्री है शीला मंडल, वो भी धानुक है। हाँ, तब तो हिस्सेदारी दी है नीतीश कुमार ने ना? नहीं, हिस्सेदारी दिए है, कौन हिस्सेदारी कहिएगा जी, मंत्री के। हाँ, तो मंत्री के रूप में ये आरक्षण पर कब बोली हो, जो हमारा हक मारा गया धानुक के कानून का हार मलाबिन बेलदारनिया दुनिया के, कब बोला है ये जो भी मंत्री रहा? इसीलिए हम उस सबको कहते हैं गाय माता है चारा खाली आती है, इसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है समाज का, अवकाश नहीं है बोलने का जी। इनके अगल बगल कौन लोग बैठता है? अच्छा चलिए, 2024 की हम बात कर रहे थे, 2024 में राम बल्लभ राय भी कहीं से चुनाव लड़ते दिखाई पड़ेंगे? हमारा फाइनल है, बेगूसराय चुनाव लड़ेंगे, बेगूसराय पार्लियामेंट का चुनाव लड़ेंगे, फाइनल है। अच्छा, हम तैयारी कर चुके। अच्छा, आपका क्या आधार है वहाँ, आपकी जाति है कितनी? हमारी जाति भूमिहार के एक नंबर है, तो दो नंबर हमारा है। आप है वहाँ दोनों? हाँ, दो नंबर यादव है ना? यादव नहीं, अच्छा। तीसरे चौथे नंबर पर बेगूसराय में, हाँ, उससे ज्यादा तो साथ है बेगूसराय। अच्छा, तो आप बेगूसराय में चुनाव लड़ेंगे? फाइनल है। हाँ, तैयारी शुरू कर दिया आपने? हाँ, कर्पूरी जनता दल। और कहाँ कहाँ आप दिखाई पड़ेंगे जहाँ धानु की ताकत दिख सकती है? हम भागलपुर में दिखाएंगे, हम बांका में दिखाएंगे, हम मुंगेर में दिखाएंगे। अच्छा, हम सुपौल में भी दिखाएंगे। हाँ, अच्छा, हमारा सब जगह लोग तैयारी कर रहा है। हम छोड़ेंगे थोड़ो, आप नहीं छोड़ेंगे। अब उस इलाके में जी, जो सुपौल के इलाका आपके अररिया के इलाके, वहाँ अपर कास्ट भी नहीं के बराबर। अच्छा, नहीं के बराबर। हाँ, यादव के मधेपुरा में डोमिनेशन, अच्छी डोमिनेशन, रोमपोप का, मधेपुरा गोप का। हाँ, हाँ जी, सहरसा में उसकी पॉपुलेशन, लेकिन पूर्णिया में ऐसा नहीं है पॉपुलेशन। पूर्णिया में नहीं है ना, अति पिछड़ों का है। हाँ, यहाँ कम से कम 50-60% हो गया। लेकिन अति पिछड़ा के नेता बनने की कोशिश में तो मुकेश सहनी लग गए, जो कह रहे कि मेरा वोट करीब 8% है, 2% वाले कहां बचेंगे? आप तो 2.14 ही है। नहीं नहीं, देखिए, मुकेश सहनी जी अति पिछड़ों की बात नहीं करते, सहनी की बात करते, मल्लाह की बात करते, लेकिन उनकी आबादी बहुत है ना, उनकी आबादी बहुत ज्यादा कहाँ है? अब बिंद अलग है, दुनिया अलग है, सारे समाज के लोग है, प्रकट हो रहा है, हमारा अलग पहचान है, आइडेंटिटी। अच्छा, उनके एक ग्रुप बनाने से ही नहीं बनेगा, कोई आदमी बनाना। तो चलिए, आप धानुक समाज को चलते चलते क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, नाराजगी तो जरूर है, लेकिन हाँ, अभी आगे इकोनॉमिक रिपोर्ट भी आएगी, आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट भी आएगी कि वहाँ क्या, किसकी हालत क्या दिखी है, यह भी बताया जाएगा, क्या संदेश देना चाहते हैं? हम लोग ये कहते हैं, कर्पूरी ठाकुर का जो सपना था अति पिछड़ों के हाथ में राजपाट लाना, बागडोर लाना, सब गरीब गुरबा एक जगह हो जाएगा। तुम 14% यादव लोगों की अच्छी संख्या है बिहार में, और खास करके झारखंड के इलाके में यादवों की संख्या कम थी जी। और जब झारखंड को गिनती से अलग कर दिया तो यादवों का संख्या परसेंटेज ऑटोमेटिक बढ़ेगा। अच्छा, ठीक है, उसे नहीं है, लेकिन अति पिछड़ों का कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब अति पिछड़ा कुल एक जगह होगा, कुल के तो 2025 में तो तेजस्वी यादव बनाम बीजेपी होगा ना, कहाँ, बिहार में। अरे समय आने दीजिए ना। अच्छा, अति पिछड़ा बनाम तेजस्वी यादव होगा, भाजपा कुछ नहीं, अति पिछड़ा बनाम तेजस्वी यादव होगा। तो देखिए, आपने सुना, राम बदन राय जी को कर्पूरी जनता दल के अध्यक्ष हैं, धानुक समाज के नेता हैं, और बिहार कास्ट सर्वे की रिपोर्ट के बाद जो बिहार में बवंडर मचा है उस पर उन्होंने अपनी राय खुले तौर पर जाहिर की है। तो आप देखते रहिए लाइव सीरीज को, यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।